इसके बाद क्या किया हुआ है,
ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये सारे राइट हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर से ही हमें दे दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या किया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः यानी सारे फिटर फ्लैट में रखा हुआ है और एक फिटर को हमने निकाल के राइट में रखा हुआ है, जो कि एक फिटर सारे फिटर इस साइड से हैं, इस साइड सारे फिटर इधर अपने बाएँ साइड से, और एक फिटर हमने क्या किया बाएँ साइड से निकाल लिया है यहाँ पर, जो कि पाँच नंबर दिखा। तो ऐसे क्या करते हैं कि हम फिटर को निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल के राइट में खड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो फिटर अलग हो जाता है और जब जो सारे फिटर खड़े होते हैं उनसे इनका धागा चिपकता नहीं। अगर कभी गलती से चिपक गया तो उसमें उस स्थिति में क्या करते हैं कि जब तक चिपक के वो धागा उस फिटर के पास जाएगा तब तक हमें कोई ना कोई एरर या कोई ना कोई सेंसर में पकड़ में आ जाएगा और हमें पता लग जाएगा, और उसमें क्या था कम से कम नुकसान होने की गुंजाइश होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाता। तो ये बताने का मकसद मेरा ये है कि हमने कहाँ से किया है, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमने किया कहाँ से है। तो हमने ये किया है कि सबसे पहले हम डिज़ाइन कराए, इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको ओके करा लिए, देखिए प्रोसेस करा लिए। प्रोसेस कराने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे डिज़ाइन सही है, हमारे डिज़ाइन हमसे कोई छिड़ी तो नहीं है, ये चीज़ हमने प्रोसेस कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा सारा कुछ करेक्ट आ गया, तो हमने इसको चेक किया ऐसे कर लिया। अब हम फिटर पोजीशन वाले एरिया पर जाएंगे, फिटर पोजीशन वाले सिंबल पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यार में फिटर, देखिए यहाँ पर लिखा है यार में फिटर पोजीशन कर, एक ये लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ यार में फिटर सिस्टम सेटिंग, यहाँ यहाँ पर जो ये सिस्टम की सेटिंग दिया हुआ है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। हमें जो मतलब है हमें इस वाले से मतलब है, जहाँ यार में फिटर का ये, इससे हमें मतलब यहाँ से हमारा निकल गया। यहाँ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ और दिखा भी दिया हूँ, तो ये चीज़ वीडियो यहाँ पर है कैसे हमने एक फिटर निकाल के राइट साइड में खड़ा किया है। तो यहीं से किया, कैसे किया ये मैं अगली वीडियो में प्रॉपर बताऊँगा, इसलिए कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इस करके मैं इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप लोग नॉलेज के तौर पर देखिए, समझिए, जहाँ जो पार्ट ना समझ में आए वो कमेंट करिए, जो पार्ट समझ में आए वो हमें आप बता सकते हैं कि हम आपका ये पार्ट हमें समझ में आ गया है ये नहीं आया।